दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इनहेरिटेंस को लेकर। और इससे पहले हम लोगों ने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करेंगे कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है और ये हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कोर जावा के प्रोग्राम के अंदर। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। दोस्तों, थ्योरिटिकल पोर्शन में आपको पहले बताना चाहूंगा थोड़ा सा इसका, उसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। आप लोग ये मत सोचिएगा कि आपको इसका थ्योरी थ्योरी बताऊंगा। आज हम लोग पहले इसकी ये थ्योरिटिकल पोर्शन थोड़ा देखेंगे, ये हमको हेल्प करेगा जब हम इसका एग्जांपल करेंगे उस चीज को समझने में। सो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ये पेरेंट क्लास है, ये आप लोग देख सकते हैं ये पेरेंट क्लास है, एंड ये चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास वन है, चाइल्ड वन, एंड ये चाइल्ड टू है। आप लोग ये चीज यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है वो पेरेंट क्लास को हमेशा इनहेरिट करती है। सो यहाँ पर ये जो क्लास बी है ये इनहेरिट करेगी क्लास ए को, एंड यहाँ पर जो क्लास सी है ये भी इनहेरिट करेगी क्लास ए को। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों कि ये जो क्लास बी है ये भी क्लास ए को इनहेरिट कर रही है, एंड क्लास सी जो है वो भी क्लास ए को इनहेरिट कर रही है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि क्या क्लास बी और क्लास सी में कोई लिंक है, क्या क्लास बी और क्लास सी आपस में एक दूसरे को इनहेरिट कर रही है, ऐसा नहीं है कि क्लास सी क्लास बी को इनहेरिट कर रही है या क्लास बी क्लास सी को इनहेरिट कर रही है, दोनों में से कोई भी क्लास आपस में एक दूसरे को इनहेरिट नहीं कर रही। सो यहाँ पे क्लास बी और क्लास सी में इनहेरिटेंस नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग इनहेरिटेंस परफॉर्म करेंगे, हायरार्किकल इनहेरिटेंस इस चीज को बोलते हैं, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम एक पेरेंट क्लास सेट कर देंगे एंड दो चाइल्ड क्लास होंगी, दोनों चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेंगी, लेकिन वो दोनों चाइल्ड क्लास आपस में एक दूसरे को इनहेरिट नहीं करेंगी। ये जो सीरीज होती है, ये जो पैटर्न होता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। आइए दोस्तों, हम लोग अब इसका एग्जांपल भी देखते हैं। मुझे लगता है आपको बहुत हद तक ये थ्योरेटिकल जो पॉइंट था ये समझ में आ गया होगा, ये आपको हेल्प करेगा जब हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे। बहुत ही इजी एग्जांपल है बच्चों, यही मैं आपको आज यहाँ पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए आप, यहाँ पे मैंने एक पेरेंट क्लास कर ली डिक्लेयर, जो कि एनिमल नाम से है। एनिमल एक पेरेंट क्लास है बच्चों। ये एनिमल जो क्लास है इसके अंदर मैंने एक मेथड पास कर दिया जो कि नो रिटर्न नो आर्गुमेंट टाइप का, जो कि वॉइड ईट नाम से है। इस मेथड की बॉडी में मैंने एक मैसेज पास करा दिया जो कि ईटिंग है। तब भी ये मैं मेथड को कॉल करूंगा, ईट मेथड को मैं अपने मेन मेथड से विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड ऑब्जेक्ट कॉल करूंगा, तो क्या होगा, मुझे एकदम से मैसेज मिलेगा रन टाइम पे ईटिंग। मैंने फिर क्या करा, मैंने एक डॉग यहाँ पे क्लास बना ली, एंड उससे जो एनिमल मेरी क्लास है, एनिमल जो कि पेरेंट क्लास है, उसको मैंने इनहेरिट कर लिया। आपको ये चीज पहले भी मैं बता चुका हूं कि एक्सटेंड कीवर्ड जहां पर भी लगा होता है, ये आपको एकदम से इंडिकेशन देता है कि यहाँ पर इनहेरिटेंस परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो क्लास डॉग है ये चाइल्ड क्लास है, एंड ये एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रही है, यानी कि एनिमल क्लास यहाँ पे जो रोल प्ले कर रही है वो पेरेंट क्लास का रोल प्ले कर रही है। फिर क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पर जब ये क्लास को जब मैं ये जो क्लास में ये पढ़ा हुआ है मेथड, मैं इसको कॉल करूंगा अपने मेन मेथड से विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, मुझे एकदम से मैसेज मिलेगा बार्किंग। यहाँ पर एकदम से ये होगा। फिर मैंने यहाँ पर एक और ये क्लास कर ली डिक्लेयर, ये क्लास है बेबी डॉग, ये भी किसको इनहेरिट कर रही है, ये भी इस एनिमल वाली क्लास को इनहेरिट कर रही है, एंड ये जो मेरी क्लास डॉग थी ये भी इस एनिमल वाली क्लास को इनहेरिट कर रही है। बच्चों, जो सिचुएशन हो गई वो सिचुएशन कौन सी हो गई, आप लोग देख सकते हैं, वो सिचुएशन बिल्कुल ये वाली है, ये जो आप लोगों को दिख रही है। यहाँ पर क्लास बी क्लास ए को इनहेरिट कर रही थी, क्लास सी जो है वो भी क्लास ए को इनहेरिट कर रही थी, तो बिल्कुल सेम है यहाँ पर सिचुएशन जो आप लोगों को दिख रही है। यहाँ पर क्या हुआ कि ये दोनों क्लासेस आपस में नहीं कर रही एक दूसरे को इनहेरिट, ये दोनों की दोनों क्लासेस जो है क्लास एनिमल को कर रही है इनहेरिट। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या करा, ये जो मेरी बेबी डॉग क्लास है इसके अंदर एक और मेथड पास करा है जो कि वॉइड वीप नाम से है, जो कि नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट टाइप का है। इसकी बॉडी में मैंने क्या पास करा, एक मैसेज पास करा जो कि वीपिंग है। तब ये मेथड में कॉल करूंगा मेन मेथड से, ये जो void weep मेथड है इसको जब मैं पब्लिक स्टैटिक void main से करूंगा कॉल, तो आपको क्या मिलेगा, एकदम से ये मैसेज मिलेगा जो कि वीपिंग है। मैंने यहाँ पर एक और क्लास कर ली डिक्लेयर जो कि टेस्ट इनहेरिटेंस नाम से, ये मेन मेथड की क्लास है क्योंकि मेन मेथड इसी के अंदर पड़ा हुआ है। दोस्तों, आप लोग ये चीज देख सकते हैं। मैंने फिर क्या करा, मैंने बेबी डॉग एक जो क्लास है, जो कि मेरी बेबी डॉग क्लास आप लोगों को ये दिख रही है, यहाँ पे ये आप लोगों को दिख रही होगी, ये जो क्लास है बेबी डॉग, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया डी, एंड इसकी हेल्प से मैं सब जितने भी यहाँ पे थ्रू आउट पड़े हुए हैं ये मेथड्स, इसको कॉल करना स्टार्ट करता हूँ। मैं क्या करूंगा,
कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो एनिमल क्लास है, एनिमल क्लास जो है ये इनहेरिट हो रही है डॉग क्लास से। तो अगर मैं डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ दोस्तों, तो आप लोगों को ये चीज ऑब्जर्व हो रही होगी अगर आपने पहली वीडियोस दोनों देखी हुई है, जो कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के ऊपर बेस्ड थी। वहां पर क्या हो रहा था कि जब मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा था जो कि इनहेरिट कर रही थी पेरेंट क्लास को, यहाँ पर चाइल्ड क्लास का रोल कौन प्ले कर रहा है? डॉग क्लास कर रही है। अगर मैं डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता तो मैं उस पर्टिकुलर की हेल्प से इस बार्क मेथड को भी कॉल कर सकता था एंड उस पर्टिकुलर की हेल्प से इस ईट मेथड को भी कॉल कर सकता था। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने बेबी डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि मैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से इस वीप मेथड को भी कॉल करूंगा, जो कि मैंने किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ये चीज ओके है यहाँ पर। एंड इस पर्टिकुलर की हेल्प से जो मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जो कि बेबी डॉग का ऑब्जेक्ट डी है, क्योंकि जो बेबी डॉग क्लास है वो एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो मैं इसकी हेल्प से इस ईट मेथड को भी कॉल कर सकता हूँ। मुझे पता है जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, मैं उसकी हेल्प से पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकता हूँ। तो ये चीज यहाँ पर ओके है कि अगर मैं इस डी की हेल्प से इस ईट मेथड को कॉल करता हूँ, तो क्या ये चीज यहाँ पर सही है जो मैंने इस डी ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस बार्क मेथड को कॉल कर रखा है? आप लोग मुझे ये चीज का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा प्लीज। ये वीडियो को यहीं पॉज करने के बाद मैं इस चीज का आंसर भी आपको बता रहा हूँ कि क्या ये चीज सही है या नहीं है। देखिए दोस्तों, अभी आपको मैंने ये चीज बताई थी क्योंकि जो बेबी डॉग है, बेबी डॉग का जो ऑब्जेक्ट डी है, ये बेबी डॉग के मेथड को कॉल करेगा और साथ ही साथ उस क्लास को भी, उस क्लास के मेथड को भी कॉल करेगा जो कि पेरेंट क्लास का रोल प्ले कर रही है। यहाँ पे पेरेंट क्लास का रोल कौन सी क्लास कर रही है? यहाँ पे पेरेंट क्लास का रोल प्ले कर रही है एनिमल क्लास। तो उसके उस पर्टिकुलर के मेथड को भी ये कॉल कर लेगा। लेकिन यहाँ पर जो बार्क मेथड है ये डॉग क्लास के अंदर पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, क्लास डॉग के अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉग क्लास है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट बेबी डॉग क्लास का बनाया हुआ है तो डॉग क्लास उसके लिए पेरेंट का रोल नहीं प्ले कर रही है। इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। बेबी डॉग क्लास को नहीं कर रही है इनहेरिट, तो यहाँ पे ये चीज तो पॉसिबल नहीं है कि मैं इस बार्क मेथड को कॉल करूं विद द हेल्प ऑफ बेबी डॉग ऑब्जेक्ट जो कि डी है, ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज यहाँ पर गलत है। अभी हम लोग ये चीज चेक करते हैं कि क्या जो मैंने आपको बताया वो सही है नहीं है। मैंने आपको बताया कि हम इस पर्टिकुलर डी ऑब्जेक्ट की हेल्प से उस मेथड को कॉल कर सकते हैं जो बेबी डॉग के अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया डी, ये बेबी डॉग क्लास का ही है। इसकी हेल्प से मैं इस पर्टिकुलर वीप मेथड को कर सकता हूँ कॉल, क्योंकि ये बेबी डॉग क्लास का ही मेथड है एंड इस पर्टिकुलर की हेल्प से मैं इस एनिमल क्लास के अंदर पड़े हुए मेथड को जो कि वॉइड ईट है, इसको भी कॉल कर सकता हूँ क्योंकि ये पेरेंट क्लास का मेथड है। सो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या जो मैंने आपको बताया वो चीज सही है। मेरा जो ये प्रोग्राम है ये ई ड्राइव में पड़ा हुआ है, वहां पर एक जावा प्रोग्राम्स नाम से फोल्डर है, ये आप लोग देख सकते हैं, मैं जावा प्रोग्राम्स नाम के फोल्डर के अंदर एंटर कर चुका हूं। अब यहां पर हम लोग वही इसको कंपाइल करना स्टार्ट करें। कंपाइल के लिए जावा को, जिस नाम से इसको मैंने हायर डॉट जावा के नाम से किया हुआ है, हायर डॉट जावा कर दूंगा मैं यहां पर। ये आप लोग देख सकते हैं बच्चों, एकदम से एरर आ गया। इसने क्या कहा, 28 लाइन में एरर है। 28th लाइन कौन सी है, हम लोग ये चीज देखें, 28th लाइन यही है जो मैंने आपको बताई थी। ये आप लोग देख सकते हैं 28th लाइन है, इसमें इसने क्या कहा मुझे, इसने कहा कैन नॉट फाइंड सिंबल डी, इस बार्क मेथड को कॉल नहीं कर सकता इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डी से वेरिएबल डी ऑफ द बेबी डॉग, वेरिएबल डी लोग, यानी कि ये नहीं कर सकता क्योंकि इसे नहीं पता कि ये डी क्या है, क्योंकि मैंने उन दोनों क्लासेस के बीच में इनहेरिटेंस परफॉर्म नहीं कर रखा। यहां पर अगर मैं इस पर्टिकुलर को बंद कर देता हूं तो देखते हैं क्या मेरा प्रोग्राम चलेगा। अगर मैं इसको हटा देता हूं, मैंने हटा दिया इसको, अभी हम लोग देखते हैं क्या प्रोग्राम कंपाइल एंड रन हो रहा है। यस, प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, इस बार कोई एरर नहीं आया। जावन क्लास का नेम, क्लास किस बार कौन सी क्लास आई है बच्चों, मैंने बताया था वो क्लास वो वाली आती है जो मेन मेथड की क्लास होती है। मेन मेथड की क्लास कौन सी है, ये आप लोग देख सकते हैं। यस, ये चल गया है, ये वीपिंग एंड ईटिंग मुझे मिल गया है, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहा है जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस है वो हो रहा है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है बच्चों, वहां पर दो क्लासेस चाइल्ड क्लास होती है एंड एक पेरेंट क्लास होती है उन दोनों क्लासेस की। मैं इनहेरिटेंस जब परफॉर्म करता हूँ तो उन दोनों जो चाइल्ड क्लास होती है उनके अंदर पेरेंट क्लास को अलग अलग से मैं इनहेरिट करता हूँ,
चाइल्ड क्लास का आपस में कोई लिंक नहीं होता, वो आपस में एक दूसरे को इनहेरिट नहीं करती। यही चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, मुझे लगता है बहुत हद तक मैं शायद कामयाब भी रहा हूँ और आपको ये चीज समझ भी आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज आप लाइक बटन को जरूर प्रेस करिए, और अगर अभी भी कोई क्वेश्चन एंड क्वेरीज है आप लोगों की प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं। और जाते जाते आपको एक क्वेश्चन में देना चाहता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, व्हाई द मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा, कि हमारी जावा के अंदर जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो सपोर्ट क्यों नहीं होता, जावा कोड जावा जो होती है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट क्यों नहीं करती, इस चीज का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिस भी तरीके से आपको कन्वीनियंट हो, हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में आप कमेंट कर सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हो इंग्लिश में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।